औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप कैसे हैं? अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आपका अपना चैनल और आपकी अपनी होस्ट आपको वेलकम कहती हूँ मैं आपके अपने चैनल पे। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और आप मुझे वीडियो वॉच करके प्यारे प्यारे कमेंट्स करके भी बताएँ। और व्यूवर्स, आप लोगों की दुआओं में मैं शामिल और मेरी दुआओं में आप शामिल। सदा मुस्कराते रहें, अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ की खुशियों से माला मार करें, जान मात उतला दमे बरकत अता फरमाए। मौसम बहुत अच्छा है, बारिशें हो रही हैं और चटपटी चीज़ें खाने को दिल कर रहा है व्यूवर्स, तो मैंने कहा हांडियाँ तो असी खाते रहने और बनता रहता सब कुछ, सालन वगैरह हर चीज़, तो क्यों ना आज मज़ेदार सी कोई चीज़ हो जाए। तो आज मैं बना रही हूँ टिक्के। और ये टिक्का एक पूरी मुर्गी है, साबत मुर्गी, तो इसकी टिक्का बोटी करवा ली है बाज़ार से। इसको कोई कटर शटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या क्या जाएगा, इसमें शामिल होगा एक बड़ा चम्मच दही का, आधा कप लगा लें आप दही का, सोया सॉस और सिरका, और ये मसाले जो घर में दस्तयाब होते हैं, ये दालचीनी का पाउडर लिया है, बड़ी इलायची का भी होना चाहिए पर मेरे पास दस्तयाब नहीं था, पीसना था, मैंने कहा छोड़ो पड़ा जो है वही डालो। तो सात गर्म मसाला का मैंने लिया है एक छोटा चम्मच, और ये लिया है मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया, ज़ीरा साबत है, सूखा धनिया घर का ही पिसा हुआ है ये लिया, उस दिन ख़त्म हो गया था हांडी के लिए, तो फिर घर में जो साबत पड़ा था उसको मैंने वो मशीन में डाल के ना डब्बी में ग्राइंड कर लिया, वही मैंने कुटा हुआ लिया है, ज़रा मोटा मोटा है। और हल्दी है एक चम्मच, और एक ही चम्मच मैंने सुरख मिर्च पाउडर ली है ज़रा लाइट सी करके, फुल भर के चम्मच नहीं लिया। और ये लिया मैंने मछली मसाला, टिक्का मसाला मेरे पास नहीं मौजूद था तो मछली मसाला था ये मैंने ले लिया, ये इसी में भी वही चीज़ें होती हैं और खुशबू बड़ी प्यारी, इसकी खुशबू के लिए मैंने इसको शामिल करना है। तो व्यूअर्स ये सारे मसाले मैं इसमें शामिल कर देती हूँ चिकन में, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये पूरी एक मुर्गी है जो हम एक मुर्गी ले कर ज़िंदा उसको कटवाते हैं, गोश्त पहले का जो पड़ा होता है वो नहीं लिया, तो साबत सालम मुर्गी कटवा के वो मंगवाई है, तो ये सही रहती है, इसमें बरकत भी होती है। तो वैसे किलो वगैरह लो तो उसमें बरकत नहीं होती, तो ये वाली बोतल को आप अच्छी तरह से ऐसे करके हिला लें, फेंट लें। देखें जी ये तो गिर गया जब मैं इसको हिला रही हूँ। और व्यूअर्स ये देखें, अब ये मिक्स कर लेना चाहिए ना बोतलों को आपस में ताकि अच्छी तरह से मिक्स हुआ ही आए, क्योंकि बैठ भी जाती हैं ये चीज़ें बोतल में जो होती हैं, मिक्स कर करके इसको हिला के यूज़ करना चाहिए ये ऐसे कर जी। मैंने वैसे ही डाला और वेस्ट भी हो गया, गिर गया। तो ये भी हम लेंगे कोई थोड़ा सा, चौथाई कप ही लेंगे, सिरका भी हम ऐसे ही लेंगे, चौथाई कप ही लेंगे हम, ज़्यादा नहीं लेंगे भी, बस बहुत है इतना सिरका। और एक ही चम्मच हम बड़ा लेंगे दही का, ये देखें एक, और ये अब ये हो गया एक बड़ा चम्मच, चले ये बड़ा चम्मच हो गया यही वाला, ठीक है, क्योंकि दही उसमें कम था मिकदार में तो आना नहीं था। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हाथ मेरे वॉश हैं, अच्छी तरह से हाथ धोएंगे साबुन के साथ, फिर इसको करेंगे, हाथ मेरे बिल्कुल साफ़ हैं, अभी मैंने इसको धोया है, चिकन को वॉश किया, तो इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के तो हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। नमक आपने हसबे जायका डालना, नमक ज़्यादा नहीं डालना, अगर नमक ज़्यादा आपने डाल दिया तो ये बहुत तेज़ हो जाएगा, खाया नहीं जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इसको आप ही शॉपर में डाल के फ्रीज़र में रख दें, फ्रिज में रख दें इसको, वैसे जितनी देर ये उसमें रहेगा तो उतना ही इसका जायका मज़े का बनेगा जितना आप इसको मैगिनेट करेंगे व्यूअर्स। तो इसमें कलेजी भी है देखें, दिल भी है, पोटा भी है, मैंने सब कुछ शामिल कर दिया। तो इसको अब हम रख देंगे फ्रिज में, और इसको फिर बाद में शाम में तैयार करेंगे, दो से तीन घंटे के बाद इसको तैयार करूँगी ताकि इसमें अच्छी तरह से मसाला रस बस जाए। और आप इसमें क्रीम भी शामिल कर सकते हैं पर मेरे पास नहीं थी, मैंने नहीं की, आप घर की मलाई भी डाल सकते हैं, तो दही की भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, जितनी कहते हैं ना जितना गुड़ पाओ उतना मीठा, तो वही हिसाब हो गया। तो मैंने कहा चलें आज टिक्के बनाते हैं, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है तो आज टिक्के खाते हैं, इसके साथ रायता होगा दही का और सैलड होगी, साथ में घर की रोटी होगी, बाज़ार से नहीं मंगवानी, महंगाई बहुत हो गई है, नान भी बहुत महंगे हो गए हैं, देखें कोई हद है 18 रुपये का नान। तो वैसे घर की साफ़ सुथरी चीज़ें सही रहती हैं, घर में ही बनाओ तो नान भी बन जाते हैं घर में, इजी होते हैं बनाने, पर मुझे नहीं आते, तो मैं देख रही हूँ दूसरों की रेसिपीज़ जो टीवी पे आती हैं। बस अच्छी तरह इसको आपने मिक्स करना है, ठीक है, तो नान भी ट्राई करेंगे किसी दिन के, नान भी बनाएं हम,
तो वो पतीले में आजकल बन रहे हैं, उनके ढक्कन को लगा के तो पतीले के ढक्कन पे ही नान बन जाता है। देखें भी बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। देखें कितनी देर मैंने किया, कोई 5 मिनट मैंने इसको मिक्स किया है। तो अब इसके ऊपर ढक्कन दे के तो इसको हम रख देंगे, ठीक है, फ्रिज में। तो फिर इसको तैयार करेंगे और फिर खाएंगे और अल्लाह का फिर शुक्र अदा करेंगे। इसको अब ये देखें मैंने थाली ऊपर दे थाली से ठान दिया, अब इसको रख देंगे फ्रिज में। व्यूवर्स इधर 2-3-4 कवे थे जो इधर घर बना रहे हैं अपना, तो ये तिनके लेके जाते हैं चीज़ें इन्होंने पकड़ी होती हैं। तो ये अभी 4 कवे थे मुझे बैठ के मुझे देख के, तो ये भागे बैठे हुए थे ये 4 कवे। व्यूवर्स बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है माशाल्लाह से, देखिए कैसे बादल आ गए हैं काले इस साइड से, घने बादल और हवा भी साथ चल रही है। बहुत ही प्यारा मौसम हो गया माशाल्लाह से, माशाल्लाह ब्यूटीफुल व्यू। अंधेरी लगता आ रही है अभी, बस यहाँ खाएंगे आड़ू। इसको मैंने कटिंग किया है, धोया है, वॉश किया है, फिर कटिंग किया है। उसके ऊपर काला नमक मैंने छिड़काव किया है। इतने प्यारे मौसम में इसको भी साथ साथ खाएंगे। लाइट भी चली गई है व्यूअर्स, बहुत ही प्यारा भाई मौसम हो रहा है। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को स्क्रीप बिल्कुल नहीं करना। वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, मेरी कोई दिखाएगा आपको इतनी ज़बरदस्त वीडियोज़ और इतने प्यारे व्यू। व्यूवर्स आप मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और शेयर भी किया करें दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को। परिंदों को भी लगता है वहाँ टकराड़ी और वो इधर उधर हो रहे हैं, देखे कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। कबूतर उड़ रहे हैं और बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है। कितने घने काले स्याह बादल आ गए हैं बस देखें। अभी बस बारिश आ गई है, बारिश हो रही है। आ गई है व्यूवर्स बारिश, चाय
व्यूअर्स, जहाँ यहाँ बन रही है चाय और साथ है ये रस, ये भी ख़त्म होने वाले हैं, बस थोड़े से रह गए हैं और इसको ख़त्म करते हैं, रसों को भी और चाय पीते हैं। इतने प्यारे मौसम में मैंने कहा चाय बनाएं फिर पिएं और फिर बनाएंगे टिक्के। साथ ही जुड़े रहिएगा वीडियो के, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी। अभी बस 3 घंटे हो गए हैं, इसको फ्रिज में रखा हुआ था मैरिनेट होने के लिए चिकन को, और ये हो गया। अब इसके बनाएंगे हम टिक्के। तो कढ़ाई रख दिया, कोई भी बर्तन ले लें, कढ़ाई ले लें, देसकी ले लें, आप आँच ऑन करें इसके नीचे, और इसमें ऑयल डालेंगे हम इतना ज़्यादा नहीं आपने डालना, बस थोड़ा सा जिसमें ये हमारी ब्राउन हो जाए बोटियाँ, बस बहुत है इतना, ये भी ज़्यादा लग रहा है मुझे। ये बस घी गर्म होगा, इसमें ये हम चिकन की बोटियाँ शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, ये मसाला जो बच गया इसको आप ढांप लें, इसको नहीं डालना अभी। जब इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह चिकन को, तो फिर इसमें डाल के फिर दम दे देंगे। तो कोई पानी नहीं ऐड करना, इसी मसाले का पानी ये चिकन भी छोड़ेगा, तो ये रेडी हो जाएगा हमारा टिक्का, चिकन टिक्का। आँच नीचे नॉर्मल रखेंगे, तेज़ नहीं रखेंगे व्यूअर्स। तो इसको अब हम ब्राउन कर लेंगे, इनको अच्छी तरह से चिकन को ब्राउन करेंगे, तो बाद में ये वाला मसाला हम इसमें ऐड करेंगे, फिर दम पे रख के पकाएंगे। चले इसको मैं ब्राउन करके फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस देखें हमारा टिक्का शाशी से तैयार हो गया, देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से, तो बहुत मज़ेदार। अब मैं डिश ऑफ करके आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, खीरे हैं साथ, मैंने दही में प्याज, खीरा और मायनेज़ इसमें शामिल किया, नमक शामिल किया और गरम मसाला शामिल किया है। और ये देखें हमारा शाकड़ी का टिक्का कितना मज़े का तैयार हुआ है, यम्मी सा देखें माशाल्लाह से, और बहुत ही मज़ेदार। और इसको आप नान के साथ भी खाएं, मैंने नान भी मंगवाए हैं, रोटी भी घर की तैयार की है, जिसके साथ मर्ज़ी आप खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, आप राइस के साथ भी लेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो वी बस ये देखें खाना हमारा रात का माशाल्लाह से तैयार हो चुका है, तो अब हम खाएँगे और अल्लाह का क्या करेंगे, शुक्र अदा करेंगे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर आपके साथ कोई अच्छी सी रेसिपी लेके आऊँगी, आपके साथ मैं शेयरिंग करूँगी, कोई अच्छा सा व्लॉग होगा। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो सारी आपने वॉच करनी है, स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं करनी, और वॉच करने के बाद मुझे आपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताना है। अल्लाह ताला भैया आप कर मुझे दुनिया जाके खुशी से मारा मार करे, जान मा तो तुला दमें बरकत अता फरमाए और अपनी रहमतों के साए में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।